स्टार्ट। सभी को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग फ्रॉम लॉस एंजेलिस। जीनियस विद इन यू। दिस इज डॉक्टर अंजुम पाटियाल बिलीविंग दैट एवरीबडी हैज जीनियस विद इन देमसेल्फ। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर HOD देशबंधु कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई एम एक्सपीरियंस्ड YTTC 500 hours yoga teacher, experienced and international certified NLP, neuro-linguistic programmer, neuro leader, and many more accolades on my cap, in my cap. Okay, so today we are introducing a new specialist, YTTC 500 hour yoga teacher from Yoga Alliance USA. Just finished her certification from Ashtayoga, and she has also done nutrition certification, Ayurvedic certification, and obesity management certification from Institute for Sports and Fitness Development, affiliated with NBFE, Florida, USA. तो सबसे पहले अलका जी नमस्कार, हैप्पी बर्थडे टू यू। अलका जी का आज बर्थडे है और उन्होंने एज सभी कहते हैं, पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ सो व्हाट। सो अलका जी 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं उन्होंने, एंड नाउ शी इज स्टार्टिंग हर अनदर प्रोफेशनल जर्नी। लेट मी इंट्रोड्यूस अलका जी, एंड विद अ ब्यूटिफुल गिफ्ट शी इज गेटिंग ऑन हर बर्थडे दैट शी इज लॉन्चिंग हर वेबसाइट ऑफ तत्व योगा, दैट इज तत्व योगा डॉट कॉम और डॉट इन। अभी अलका जी बताएंगे, हम उन्हीं से सुनते हैं। एंड ऑन दिस 50th बर्थडे अलका जी, शी हैज डन पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड BEd। फॉर मेनी ईयर्स शी वॉज अ साइंस टीचर। She has worked with Hindustan Unilever in multi-level marketing, handling a team of over 6,000 consultants. Wow, so many people handling all together. I thought being a professor, we are handling 5,000 or 5,500 students at all together. But hats off to you. She has worked with Max New York Life, Kotak Life, DHFL, PR America, Bajaj Alliance as a business development manager for 10 years. So welcome Alka ji, and let us hear from you how you have started this journey. Tell us all about this journey that you are launching another career after 50. So that's very amazing. So hum aapse sunna chahenge how you have just covered this journey and how long it took you. Good morning and namaskar, and first of all thank you Anju ma'am for the birthday wishes. I started my journey few months back when I met my mentor and came to know ki main kaise apni life ko ek naya mod de sakti hu. Actually I wanted to do something इन माई लाइफ जिससे कि मैं सेटिस्फैक्शन भी हो मुझे, एंड आई कैन गिव बैक टू माई सोसाइटी। एक्चुअली सोसाइटी हैज गिवन मी सो मच, उसको वापस कैसे दूँ, बट समझ नहीं आता था। देन शी गाइडेड मी, आई हैड एन इंक्लिनेशन टूवर्ड न्यूट्रिशन एंड योगा, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि करेंगे कैसे। देन शी गाइडेड कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, एंड आई स्टार्टेड माई कोर्स विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का कोर्स किया, साथ में आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन भी किया, फिर ओबेसिटी मैनेजमेंट भी किया। उसके साथ साथ आई जॉइंड हर विद योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स आल्सो, एंड रिसेंटली आई फिनिश्ड दैट ट्रेनिंग कोर्स। देन आई डिसाइडेड टू लॉन्च माय वेबसाइट बिकॉज आई वांटेड टू रीच आउट टू पीपल। देन तत्व योगा इज समथिंग विच इज कनेक्टिंग आर सोल एंड आर बॉडी टू मदर अर्थ। लाइक वी हैव फाइव एलिमेंट्स, पांच तत्व होते हैं हमारे एग्जिस्टेंस के, उनको हम योग से सिंक्रोनाइज करके हम कैसे
अपने सोल से कनेक्ट कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. तो आई गॉट एन आइडिया उस tattwayoga.in इज माई वेबसाइट जो हमने लॉन्च करनी है, की है आज. एंड अंजू मैम बींग माई मेंटोर, शी हैज बीन अ यू कैन से गाइड, माई गाइड, माई गाइडिंग गुरु इन दिस जर्नी. बिकॉज पिछले 6-8 महीने में कितना अप्स एंड डाउन्स हुए, कितना कुछ सीखा, कितना नहीं आता था. स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी दैट टू एकदम नए सब्जेक्ट पे. तो शी वॉज देयर 24/7 ऑन एंड ऑफ. शी वॉज हेल्पिंग अस आउट, गाइडिंग अस, टीचिंग अस, सो मेनी थिंग्स वी लर्न फ्रॉम हर. सो फाइनली आई सक्सीडेड इन लॉन्चिंग माई वेबसाइट. नाउ स्टिल आई नीड हर मेंटोरशिप एंड हर गाइडेंस थ्रू आउट माई लाइफ टू बी सक्सेस इन दिस, सो दैट आई कैन गिव बैक टू माई सोसाइटी समथिंग गुड. आई बिलीव इन होलिस्टिक वेलनेस. आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ वेर इन आई कैन हेल्प देम इन ब्रिंगिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस टू देयर लाइफ. Wow, that's great. And target was your birthday itself, and we have started our journey in March. And there were little hiccups from the life, from family and friends because of the COVID, and still we were able to launch it on your birthday. So सभी लोगों को बताना चाहूंगी, जब हमने मेंटरिंग शुरू की तो हमारा टारगेट था कि बर्थडे पे, 50th बर्थडे पर हम वेबसाइट लॉन्च करेंगे. Few weeks we have lost because of some tragedy happened in her family, and after that even we just covered it up. So I remember when you met me, she came to meet me in March when little lockdown was relaxed, and you were little hesitant, first because of your age and second online learning. Your teacher training course international level का, और वो भी online, कैसे होगा? So, वो आपका और मेरा जो फर्स्ट मीटिंग था, आप सिर्फ इसीलिए मिलने आए थे कि मेरे को मैं करूंगी कैसे. So, वो आप लोगों को बताना चाहेंगे, बिकॉज आई एम टेलिंग पीपल कोविड में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि हम ऑनलाइन कम से कम आपस में फिर भी एक दूसरे को एजुकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं. सो आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी कैसी रही ऑनलाइन एजुकेशन में? एक्चुअली किसी ने सजेस्ट किया था अंजू मैम का नाम मुझे और न्यूट्रिशन कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स. मैं उनसे मिलने तो सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए ही गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला कि हम ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ कोविड 1 साल से सब लोग घर में थे, प्रॉब्लम आ रही थी, जितना भी आप जॉब के लिए सोचो नहीं हो पा रहा था. देन शी गाइडेड कि हो जाएगा. वी स्टार्टेड विद द न्यूट्रिशन कोर्स. सीखते 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 देन आई हैड दैट कॉन्फिडेंस इन हर दैट आई स्टार्टेड विद YTTC 500 आवर्स टीचर ट्रेनिंग कोर्स विद हर. एंड एक्चुअली ऑनलाइन लर्निंग वॉज अ फन. इट वॉज वेरी इंटरेक्टिव सेशन थ्रू आउट. एंड बेस्ट पार्ट वॉज यू आर कनेक्टेड टू योर मेंटर्स 24/7. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन टॉक टू देम. अगर नहीं हो रहा है यू कैन रिपीट दम एन नंबर ऑफ टाइम्स. सेकेंडली डिटेल्स, आसनास की डिटेल्स हैं प्रॉपरली ऑनलाइन आप माइन्यूटली चेक होती हैं. सेकेंडली आफ्टर प्रैक्टिकल क्लास वी यूज टू हैव आर फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल क्लासेस. तो वो कनेक्टिविटी एक बनी थी. एंड सीइंग अंजू मैम्स नॉलेज अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इट वॉज लवली. We got to know about all the muscles, all the joints, जैसा होना चाहिए. शायद ऑफलाइन में इतना सीरियसली नहीं होता. एंड ऑनलाइन इज लाइक या ऑफलाइन में अब इतने सालों से, इट्स अ 30 ईयर ऑफ माय जर्नी, यू नो, टीचिंग पीपल थ्रू आउट माय लाइफ. नाउ आई रियलाइज ऑफलाइन में क्या होता था, बहुत बारी क्लास मिस हो जाती थी, लोगों को कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, दे आर दे वर नॉट एबल टू रीच.
ऑनलाइन में 100% अटेंडेंस रहती है. समटाइम पीपल मेक फन ऑफ इट ऑल्सो कि वीडियो ऑफ होता है थ्योरी क्लास पे तो शायद सुनते हैं या नहीं, बट वेन यू गिव द असाइनमेंट एंड यू सबमिट द असाइनमेंट डेफिनेटली यू नीड टू गो अगेन एंड अगेन यू नो आइदर अटेंडिंग द क्लासेज और चेकिंग आउट द रिकॉर्डिंग्स. सो मैंने देखा कि ऑनलाइन में 100% अटेंडेंस जो है क्योंकि आप अपने कम्फर्ट जोन में हैं, आपको पता है कि आपको कहीं रश नहीं करना है, तो इसलिए ये जो एक नई नई टर्मिनोलॉजी हमने सीखी लॉकडाउन आइसोलेशन है ना क्वारंटाइन, तो ये इन इन सब का हमने यूटिलाइजेशन जो है वो भी बहुत अच्छा सीखा. सो टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज हुआ इस बार. बेस्ट यूज हुआ बिल्कुल बिल्कुल. सो एग्जैक्टली. सो इन दिस पेंडेमिक बिकॉज आपने अभी रिसेंट कोर्स किया और ऑलरेडी भी आपको काफी नॉलेज थी वैसे जो मैंने क्लासेस में देखा, योग पे आप ऑलरेडी काम कर ही रहे थे, न्यूट्रिशन पे आप करना चाह ही रहे थे. सो इन इस पेंडेमिक में लोगों ने सबसे ज्यादा नाम सुना प्राणायाम का. ऑक्सीजन की जो मारा मारी रही वो हम सब ने देखी, दैट वॉज फ्यू ऑफ द इंसिडेंट्स वर वेरी डिसहार्टनिंग आइदर फ्रॉम द पीपल हु वर सफरिंग और people who were hoarding it or who were doing just black marketing of these facilities jo logon ko bahut zaruri chahiye thi. So pranayam aap kaise usko logon ko batayenge ki pandemic mein hum log bar bar pranayam ki baat kyu kar rahe the. Pranayam is like hum breathing to kar hi rahe hain, to pranayam mein aisa kya khaas hai? Like it is also breathing, different patterns of breathing. But उसमें बहुत एक important चीज़ एक छोटे से example से मैं समझाना चाहूँगी. Like हम breathe कर रहे हैं, छोड़ दिया, जा रहा है आ रहा है, it's normal, चल रही है. आप एक balloon लो, balloon को आप सिर्फ फू करके ऐसे फुलाना चाहोगे तो एक limit तक फूल के बंद हो जाता है, वो पूरा पूरा बलून फूलता नहीं है. लेकिन आप प्रेशर के साथ जब उसमें एयर भरते हो खूब जोर से तो वो पूरा फूल जाता है, पूरा इन द सेंस मतलब उसका लास्ट वाला टिप भी ब्लोन ब्लो हो जाता है, तो इट बिकम्स राउंड वट एवर द शेप ऑफ द बलून इज. सिमिलरली व्हेन वी आर ब्रीदिंग वी आर यूजिंग आवर लंग्स अप टू से 10-15% ओनली, बट व्हेन वी आर डूइंग प्राणायाम we are actually ballooning our lungs wherein oxygen is entering our sabse niche wale blood vessels mein bhi ja raha hai, so exchange of carbon dioxide and oxygen is taking it at maximum place, so hamare toxins nikal rahe hain. to ye kaise karte hain agar aise ballooning to shayad nahi samajh aayega, lekin ye hum sikhate hain online bahut easily sikha sakte hain, it helps you, it helps us also kyunki aapka ऑक्सीजन इंटेक बढ़ गया है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया है, इट हेल्प इन मेनी मेनी थिंग्स, इवन इट इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म, तो इट इट एड्स टू इम्यूनिटी. तो प्राणायाम इज लाइक प्राण को एक लाइफ दे रहे हैं हम अपनी. इट इज आसन एंड इट इज हैविंग मेनी वेरिएशंस. मैम आपका माइक म्यूट है. राइट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर वेबसाइट. सो आपने उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन और कुछ स्पेशलाइज क्लासेस भी दी हैं. सो इस वेबसाइट के थ्रू लोग आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं और क्या आप उनका स्पेशलाइजेशन अपना एक्सपर्टीज जो है उनको सर्व करना चाहती हैं? सबसे पहले तो प्राणायाम है बिकॉज इट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय एवरीबॉडी एंड इट शुड बी लर्न प्रॉपरली. लाइक अगर हम गलत करेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है, अंदर नुकसान पहुंचा सकता है, तो प्रॉपरली इसका जितने भी वेरिएशंस हैं हमें सारे सीखने हैं.
which I want to do. Secondly, for backache and joint pains, which is main problem of my age, and मतलब 40 प्लस के बाद वो एज वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. नॉट इवन 40 प्लस, आई विल से आजकल लाइक आईटी कल्चर है, लोग सुबह से शाम तक चेयर पे बैठे रहते हैं, तो मेनली स्पॉन्डिलाइटिस एंड बैकएक उनकी होती होती है. सो दे नीड अ गाइडेंस. आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस इन देयर लाइफ. वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट. सो आप एक बार अपनी वेबसाइट फिर से बताना चाहेंगी सभी लोगों को? That is tattvayoga.in. Please log in and go through the website, and please send me remarks also so that we can connect over there. Exactly, and we can improve also. And बहुत ही अच्छा मैम का जर्नी रहा है, और मैम का बहुत ही अच्छा, सबसे पहले बहुत अच्छा है. ऑलरेडी शी इज वर्किंग विद फ्यू एनजीओज ऑल्सो, एंड शी जस्ट वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. और मैम की ही गाइडेंस से, मैम की डॉटर शी इज ऑल्सो इन मेडिकल फील्ड, वो क्या कर रही हैं? या माय डॉटर इज डॉक्टर एंड शी इज डूइंग एमडी इन एनेस्थीसिया. शी इज माय बिगेस्ट सपोर्ट. उसके भी कुछ कुछ रहता है प्रॉब्लम्स, लेकिन शी इज द बिगेस्ट सपोर्ट इन द सेंस बीइंग डॉक्टर. शी एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स कि मम्मा ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इनके लिए कुछ कर सकते हैं, प्लीज सर्च आउट समथिंग और देयर. शी इज अ हेल्पिंग हैंड इन दैट. एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि डॉक्टर और हम लोग मिलके सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेंगे. पीपल एक्चुअली नीड आवर सपोर्ट एंड वी हैव दैट कैलिबर एंड कैपेबिलिटी दैट वी कैन डू इट. देन व्हाई नॉट टू डू इट इन अ प्रॉपर वे. Exactly. With your mentorship, yes, I would like to add here. With your mentorship and your साथ, आपकी गाइडेंस के साथ में मैं इसको एक लॉन्ग वे लेके जाना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन बी एबल टू हेल्प एट लीस्ट वन और टू पीपल. No, no, you are helping many people. You have the testimonial of few clients of yours, जिनको अभी आपने recently ही उन लोगों को help out किया, and previously you were the support and guiding factor for your daughter. Now she is guiding because she is working truly in the field. बहुत COVID में उन्होंने काम किया, directly she is involved through hospital. और एक एक समय पे आके तो हम दोनों थोड़ा सा घबरा भी जाते थे कि उसकी health ठीक रहे. When you know lots of news were coming for the medical workers, health workers also, so we were a little bit worried. So next plan is that you are writing a book. So how yoga and nutrition and Ayurveda, they are connected. So can you explain to the viewers? Yeah, what we eat is what जो हम खाते हैं वही हमारे को लगता है और दिखता है. जो हम अगर हम सिर्फ खाना खा रहे हैं पेट भरने के लिए, तो हम उसमें कुछ भी खा सकते हैं. वो हमें हमारे शरीर पे दिखाई देता है, कहीं ओबेसिटी के फॉर्म में दिखता है, कहीं कोई ना कोई एलिमेंट होती है उसके फॉर्म में दिखता है. लेकिन हम उसी खाने को अगर बैलेंस करके खाते हैं, बिकॉज हमारे खाने में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं, तो हमें उनका प्रॉपर बैलेंस करके अगर हम खाते हैं तो वो एलिमेंट्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी चले जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक कम हो जाते हैं. सेकेंडली आयुर्वेदा के जो जैसे कहते हैं दादी माँ का खजाना, आयुर्वेदा इज दादी माँ का खजाना, तो उसकी हेयर एंड देयर वो पिंच हमें चाहिए टू फॉर द हेल्दी बॉडी. एंड योगा इज लाइक अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी. तो प्रॉपर न्यूट्रिशन विद योगा हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बीपी है, डायबिटीज है, वी कैन हेल्प आउट इन सो मेनी थिंग्स. लाइक जॉइंट पेन्स है, बैक पेन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एक साइनस होता है बहुत लोगों को. लाइक प्राणायाम इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम. इसमें एक प्राणायाम का एक वेरिएशन है जल नेति. जल नेति इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर साइनस प्रॉब्लम. अदरवाइज आप कितनी भी मेडिकेशन लेते रहो, एलोपैथिक मेडिसिन कितनी भी लेते रहो, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग. जो
एलोपैथिक मेडिसिन सॉरी मेडिसिन हम लेते हैं, उसका इफेक्ट उसी समय रहता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, तो हमें लगता है कि वाह कितना अच्छा है, हम ठीक हो गए. बट इन द लॉन्ग रन दीज मेडिसिन आर हैविंग साइड इफेक्ट्स विच आर गोइंग टू डिटीरियोरेट आर हेल्थ. बट प्रॉपर न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद आयुर्वेदा एंड योगा, यू कैन से कि आप अपनी दवाइयों का कंजम्पशन कम कर सकते हैं, कुछ हद तक बंद भी कर सकते हैं, जो आपके लॉन्ग रन में आपको हेल्प आउट करेगा. और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदा का प्रॉपर न्यूट्रिशन का योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ गुड गुड इफेक्ट्स है. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच माय जिसको कहते हैं ना साथियों को, ये बताना चाहती हूँ कि भैया मेडिकेशन छोड़ के अगर तुम इस पे शिफ्ट होते हो तो इट इज बेटर. यूज फूड एज अ मेडिसिन, बिकॉज बहुत सारे यस आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन दोनों ही थॉट्स जो है, चाहे वो मॉडर्न न्यूट्रिशन है चाहे वो एंशियंट आयुर्वेदा है, दोनों का जो बेस लाइन है वो यही है दैट फूड कैन बी यूज एज अ मेडिसिन. आपको एक कोई भी एक तत्व ऐसा खाकर, तभी तत्वा योगा, एक ये जो हमारे तत्व हैं, हमारे पोषक तत्व हैं, अगर वो आपके सारे मिल जाते हैं आपको, और सेलुलर लेवल पर अगर आपकी हेल्थ को हम ग्राउंड लेवल से ठीक कर सकते हैं, बेस ठीक कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं अपनी बॉडी की नींव, तो हम बहुत कुछ फाइट कर जाएंगे, बहुत सारी चीजों से हम लड़ सकते हैं और हम अपनी हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं. दैट्स सो ग्रेट. सो इसमें एक या छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा. जी जैसे कॉमन कोल्ड इज वेरी कॉमन और हर एक को होता है, तो ट्रू डॉक्टर कहते हैं, दवाई देते हैं, कहते हैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा. मैं कहती हूँ आप दवाई लो, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा. दवाई मत लो, 1 वीक में ठीक हो जाएगा. योगा करो, 3 दिन में ठीक हो जाएगा. लाइक आप अगर जल नेति करते हैं तो लिटरली 3 4 दिन में आपको कोल्ड से एकदम कोल्ड का सॉल्यूशन मिल जाता है. तो दैट इज अ डिफरेंस. दैट्स अ डिफरेंस, वेरी ट्रू. और वैसे भी अब हॉलिस्टिक अप्रोच हमें रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज वंस यू आर ऑन द मेडिकेशन ऑफ फॉर एनी डिजीज, आप किसी भी डिजीज के लिए अगर मेडिकेशन शुरू करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट लिवर, किडनी और बहुत तरीके से आता है. और फिर जब इस तरीके के बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ रहा होता है एक बीमारी से, डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी बिजी होता है, उधर से हम दूसरी वॉर जो है इम्यून सिस्टम लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता, और वही लॉसेस जो है हमने पेंडेमिक में देखे. दैट्स सो ग्रेट. एक और मोटिवेशन की बात मैं लोगों से को बताना चाहूंगी. अलका जी से सुनते हैं कि वो एक्चुअली योग से कैसे जुड़ी, या उनको ऐसा क्या हुआ था कि जहां उन्होंने रिकवरी जो है वहां से उनको हेल्थ कितना इंपॉर्टेंस है वो समझ में आया, बिकॉज वो कॉर्पोरेट में बहुत हाई लेवल पर काम कर रहे थे. तो ऐसा क्या हुआ था अलका जी? मैम, कुछ साल पहले मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था एंड आई वॉज पैरालाइज्ड. मेरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया था. इट वॉज लाइक समझ में नहीं आया क्या हुआ. इट वॉज हाई बीपी एकदम शूट अप कर गया था एंड सडनली सुबह में उठी तो मेरे से उठा नहीं गया एंड आई फेल. लकीली मुझे जल्दी SOS मिल गया, हॉस्पिटल मिल गया, तो उसका उतना बैड इफेक्ट डैमेज. नहीं हो पाया, डैमेज नहीं हो पाया. तो लेकिन आई वॉज ऑन द बेड फॉर फ्यू डेज एंड आई वॉज नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो. देन आई रियलाइज, क्योंकि वहां पे डॉक्टर ने मेडिकेशन शुरू कर दी, साथ में उनका फिजियोथेरेपिस्ट आता थे, वो एक्सरसाइज करा के जाते थे, और उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस मुझे कहा था कि अलका आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो जाओगे. देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि मैं ठीक होंगी. प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी मैं कैप्सूल्स पे बिलीव नहीं करती. आई बिलीव इन नेचुरल न्यूट्रिशन. लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग विटामिन ए आई वुड लाइक टू गो फॉर फ्रूट्स, आई वुड लाइक टू गो फॉर रॉ वेजिटेबल्स. वो शुरू किया. सेकेंडली योगा से थोड़ा सा अटैचमेंट पहले से था, थोड़ा विश्वास भी था, क्योंकि लाइक माई फादर इज अ फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, तो वो बचपन से हम उन्हें देखते आ रहे हैं कि सारे आसन करते हैं और डेली वो 1 1 घंटा करते थे एंड आज भी वो हमसे ज्यादा फिट हैं, आज भी करते हैं वो. तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन भी था, थोड़ा सा आइडिया भी था. तो फिर योगा शुरू किया, यूट्यूब से देख के, कहीं कहीं से देख के थोड़ा थोड़ा शुरू किया, काफी कुछ ठीक भी हो गया. एंड इन द मीन टाइम आई गॉट टू नो कि ये कोर्सेज भी होते हैं. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग
कैसे होंगे, नहीं हो पाया, देन समवन रेफर्ड मी टू डॉक्टर अंजुम पाध्याल माय गाइड एंड सी वेयर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ I'm so proud of you. I'm so proud of you. First, that your journey itself, it's a healing journey. So you know how health is important and you want people to know about it, that you have to take it because health is wealth. Once it's, you know, started or if you're bedridden, kuch bhi kaam nahi aata. Secondly, I'm so happy that associating with me, mera jo ek hamesha mission rehta hai, first mission is Mission Million Trainers. I want to prepare educated, certified, proper, experienced trainers for the society so that they can have more people along with me. Secondly, the profession. Because after the corporate, ghar baithna bahut mushkil hai. Agar hum ye soche 50, 55, 58 aur hum retire kar jayein. लेकिन एक वर्किंग वुमेन जो 30 साल से काम कर रही हो उसके लिए घर बैठना बहुत मुश्किल है एंड आई डोंट वांट एनी एजुकेटेड पर्सन टू बी एट होम बिकॉज हम बहुत तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं. सो सेकंड वर्टिकल जो है जिस मिशन पे मैं हूँ, अगर आप कुछ करना चाहती हैं, इफ यू आर सो कॉल्ड हाउस मेकर हैं लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं कि 2 आवर्स अगर आप अपने घर से भी काम करना चाहती हैं तो प्लीज आप दूसरों की मदद के लिए आगे आइए, अपने आप को एजुकेट करिए, हमारे साथ जुड़िए और उसके साथ ही आप अपनी नेक्स्ट इनिंग, आगे की लॉन्ग जर्नी जो है हमारे साथ शुरू कर सकते हैं. हैंड होल्डिंग हम लोग पूरा प्रॉपर, हमारी पूरी टीम है जो आपको वेबसाइट सेटअप कराने से आपके कोर्सेज कंप्लीट कराने के साथ साथ आपकी जितनी भी हैंड होल्डिंग है वो हमारी पूरी टीम इंटरनेशनल लेवल पर कर रही है. सो इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी आपसे कि व्हाट डू यू थिंक जी, अभी आपने गूगल का और यूट्यूब का नाम लिया, क्या सारा ज्ञान उसमें जो रखा हुआ है वो सबके काम आता है या फिर आपका और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है कस्टमाइज्ड, बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस. जब हम कुछ देखते हैं तो देखते ही लगता है ये तो मैं कर नहीं सकती. आप नहीं कर सकते तो आपको एक हेल्प चाहिए कि आपको कैसे इम्प्रोवाइज करा के वो आसना कराएं या आपकी डाइट में ऐसा क्या करें. बहुत सारे लोग जो है लैक्टिक इंटॉलरेंट हैं, उनको दूध या दूध से बनी चीजें ही सूट नहीं करती और वैसे हम कहते हैं कैल्शियम के लिए दूध लें, तो आयुर्वेदा कहता है कि तिल खाने से भी कैल्शियम को कवर अप किया जा सकता है. तो ये जो कस्टमाइज्ड लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं तो आप उसको कैसे देखती हैं? मैम, यूट्यूब में या गूगल से अगर आप कोई नॉलेज लेते हैं तो वो बहुत कम होती है, वो टू द पॉइंट एक सेंटेंस में बता देते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं. ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. अगर वहां से हम योगा देखते हैं तो हमें सर्च करना पड़ता है कि ये आसन हमारे किस पार्ट के लिए ठीक होगा या नहीं होगा, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ठीक होगा या नहीं होगा. तो थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं बट वो प्रॉपर उसको नहीं सीख सकते, हम यूट्यूब से नहीं सीख सकते क्योंकि हाँ रिस्की है, क्योंकि आपको कोई गाइड नहीं कर रहा. एक आपने एक वीडियो बना के डाला, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको कुछ कर लेते हैं, किसी को हेल्प कर हो जाती है, किसी को नहीं होती है. लेकिन अगर एक कस्टमाइज सॉल्यूशन हम देखें, आपको कोई सिखा रहा है कि आप ऐसे मुड़ोगे तो आपकी इस वाले पार्ट में हेल्प होगी, ये वाला पार्ट फ्लेक्सिबल बनेगा, यहाँ की टोनिंग होगी, या आप ऐसे कर लोगे तो आपको कहाँ पे इफेक्ट आने वाला है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे एक्ट करने वाले हैं, कौन से ऑर्गन के साथ कौन सा इंटरनल ऑर्गन आपको का हेल्दी होने वाला है. इसके साथ साथ अगर हम आयुर्वेदा का जोड़ दे तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पचता है बट स्टिल कैल्शियम तो उन्हें भी चाहिए ना, तो उनके उनको कस्टमाइज करके बताना कि कैल्शियम आप यहाँ से भी ले सकते हो. न्यूट्रिशन में हम वेजिटेबल्स की तरफ जा सकते हैं, फ्रूट्स की तरफ जा सकते हैं, तो भी डिसाइफर कि इसको लेने से आपका कैल्शियम बढ़ेगा. प्लस आयुर्वेदा में जाए तो हम जैसे आपने बताया तिल, सो मेनी थिंग्स आर देयर जो हमें मुझे लगता है कि प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस मिले, हैंड होल्डिंग मिले, आपको इन डिटेल आपको समझाए तो चीजें क्लियर भी हो सकती हैं. अभी
लोग कर तो लेते हैं, जब थोड़े दिन बाद इफेक्ट नजर नहीं आता है तो छोड़ भी देते हैं। छोड़ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो हम चाहते हैं कि वो करें, प्रॉपर वे में करें और उसे छोड़े ना, और इसको रिजल्ट अपने आए, लाइफ का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल. फॉर तो हमारा ये दैट मिशन है, एग्जैक्टली, हमारा ये मिशन है कि लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि ये मेरे लोग कर सकते हैं पर मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस का नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. कस्टमाइज योग सेशंस, कस्टमाइज न्यूट्रिशन प्लानिंग, कस्टमाइज ट्रीटमेंट फ्रॉम यू नो थेरेपेटिक सपोर्ट फ्रॉम आयुर्वेदा इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. आपकी अपनी एक समस्या है, सो ऑल साइज कैन नॉट फिट, यू नो वन साइज कैन नॉट फिट टू ऑल. सो दिस इज द मंत्रा कि आप लोग कॉन्टेक्ट करिए, सो दैट जो अलका जी की नॉलेज है उसके साथ आप स्पेशलाइज्ड अपना एक वर्कआउट प्लान कर सकते हैं. आपको कौन कौन से आसनास करने चाहिए, कौन सा आपकी कंडीशन के लिए बेनिफिट है, कौन सा आपके फिटनेस लेवल के साथ आप कर सकते हैं, प्लस आपकी चॉइसेस के साथ न्यूट्रिशन कैसे प्लान आउट हो सकता है, या आपकी डिजीज के साथ, क्योंकि डीएनए डिजीज बहुत सारी होती है जो हो सकता है अभी सरफेस पे नहीं है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा कॉशियसली चलें, उसके हिसाब से खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करें, तो हम उसको दूर रख सकते हैं. सो लास्टली मैं बताना चाहूंगी, अलका जी ने वैसे भी काफी स्टडी की हुई है, मेरे से मिलने से पहले भी वो उस तरीके की स्टडीज कर ही रही थी, काफी काम कर रही थी हेल्थ के लिए लोगों की. अब वो एक बुक लिख रही है, शी इज को ऑथर विद मी, और योग और न्यूट्रिशन को दोनों को साथ लेकर एक किताब लिख रही है जो ऑलमोस्ट इस मंथ कंप्लीट होने वाली है, काफी दिनों से मेहनत चल रही है. सो अलका जी, वो किताब के बारे में बताइए, वो कहाँ तक पहुंची? अभी तो मटेरियल ही लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों तक जितना पहुंचा सकती हूँ इन अ बेटर वे। उसमें मेनली जो मेरा पॉइंट फोकस रहेगा है. वो स्ट्रेस के ऊपर रहेगा, क्योंकि आज के हमारे आईटी युग में स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस रहता है, डिफरेंट एजेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, प्लस हेल्थ से, न्यूट्रिशन से, योगा से हमें उसको कैसे हील करना है एंड एक स्टेबल माइंडसेट के साथ काम करना है, सो दैट दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट अस। स्ट्रेस राइट, छोटे से बच्चे को भी होता है, लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस का रीजन अलग है। स्ट्रेस हमें भी होता है लेकिन हमारा रीजन अलग है। हम कैसे अपनी बॉडी को काम कर सकते हैं, योग हमें सिखाता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे काम कर सकते हैं, पीसफुली हम उस किसी भी सॉरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दैट इज ट्रू, व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। आई होप कि मैं वो जो मैं चाह रही हूँ वो लोगों तक पहुंचा सकूँ। नहीं, बुक्स जो है वो बहुत सक्षम होती हैं. एक छोटे से इंटरव्यू में या हम छोटे से क्लासेस में उतना नहीं बता पाते जितना किताब में हमारे पास स्कोप होता है. एंड दोस्तों को बता दूं, मेरी दो किताबें जो हैं वो अमेजन पे बेस्ट सेलर हैं, मार्शल द माइंड एंड एनसाइक्लोपीडिया फॉर द जिम ट्रेनर. और अब हम दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी किताब भी बहुत अच्छी लिखी जाए जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो और अमेजन पे बेस्ट सेलर भी हो, क्योंकि जितने लोगों तक हम उसको पहुंचा पाएंगे, जितने लोग हमारे पढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे जो भी वो कुछ पेजेस होंगे जहां पर हम दोनों का कोई थोड़ा सा एक्सपर्टीज होगा, थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे, कुछ लोगों की लाइफ में वो जरूर पॉजिटिव इफेक्ट करेगा. सो इसके साथ ही और कोई मैसेज देना चाहती हैं अलका जी? मेरा मैसेज है, मिशन मिलियन ट्रेनर्स, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, अपनी जर्नी प्रोफेशनली भी आगे बढ़ाइए, दूसरों की भी मदद करिए, अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेशन भी करिए, नेम फेम हेल्थ एंड वेल्थ हैप्पीनेस हर चीज जो है वो आप सोसाइटी को वापस दे सकते हैं. अलका जी, लास्ट मैसेज. लास्ट मैसेज यही है कि प्लीज ज्वाइन अस सो दैट वी कैन बिकम अ बिग ब्रिगेड एंड वी कैन हेल्प आवर सोसाइटी इन ऑन अ बिगर वे। बहुत लोगों को हमारी जरूरत है, तो आई विल सजेस्ट, हाँ आई विल सजेस्ट, बहुत लोगों को हमारी जरूरत है, आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज हमको ज्वाइन कीजिए, योग को ज्वाइन कीजिए। मेंटोर्स आपके सामने मेंटोर हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए एंड प्लस वी कैन बी अ टीम कलेक्टिवली, वी ऑल कैन वर्क ऑन द सेम लेवल, सेम ग्राउंड फॉर द सेम कॉज।
And अगर डेफिनेटली वी हम कैन ब्रिंग आउट, एंड यस वी कैन ब्रिंग आउट अ बिग चेंज इन द सोसाइटी आल्सो. एग्जैक्टली एंड वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, हम बाकी सभी देशों को योग का जो रियल एसेंस है, योग से कितना सुकून है साइकोलॉजिकली, सोशली कितना कनेक्टिविटी, एक सोशल कोहिजन आता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकली हम अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि समाज सबने साथ रहना है. अगर एक समाज दुखी होगा तो दूसरा कल्चर भी उसको नहीं इंजॉय कर सकता. सो इसलिए 139 करोड़ तो इंडियंस ही हैं, मैं तो मिशन मेरा है मिलियन ट्रेनर्स, वो भी बहुत कम रहेंगे. हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं. सो जितने भी लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम एजुकेट होना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, अभी तक की आप लोगों की लिमिटेशन थी कि बाहर कहाँ जाएंगे, कोई अगर दिल्ली में कोर्स हो रहा है तो और स्टेट से लोग नहीं ट्रैवल कर पा रहे, कोई कनाडा में से अगर हमें करना चाह रहा है, स्वीडन से हमारे साथ पूनम जी हैं, कनाडा से हमारे साथ दिव्या जी हैं, दुबई से हमारे साथ श्रुति जी हैं, तो जिन लोगों की दुबई से हमारे साथ कुसुम भी है, हमारे साथ दुबई से त्रिषा भी है, हमारे साथ कतर से पूनम है, पूजा है, तो जो लोग नहीं आ पा रहे थे, इतनी दूर से सोचते रहते थे कि कब 2 महीने के लिए कहीं जाएंगे तो सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा, वो लोग बिल्कुल स्मूथली ऑनलाइन हम लोगों के साथ जुड़े, सर्टिफिकेट पूरा किया, अपने अपने क्लाइंट्स के साथ वो लोग इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं. सो दिस इज द इन्विटेशन फ्रॉम आर एनजीओ सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट, हमारा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट, अष्ट योगा द स्कूल ऑफ योगा एफिलेटेड विद योगा अलायंस यूएसए, and all type of psychological the course related to nutrition, sports psychology, NLP, yoga, and many more certification you can go ahead with, jiska jaisa inclination ho, jiska jaisa niche decide karna ho, jo समझ सकता हूँ कि मैं इस एरिया में ज्यादा अच्छा काम करता हूँ. जैसे हमारे पास 2 लोग अभी बैच में जुड़े हुए हैं जो प्री नेटल पोस्ट नेटल पे काम कर रहे हैं, उनका स्पेशलाइजेशन वो उसी पे काम करना चाहते हैं. फ्यू ऑफ द पीपल आर वर्किंग अबव 50, एक एज के साथ काम करना चाहते हैं. सम ऑफ द यंगस्टर दे आर वर्किंग आफ्टर 30, फिटनेस आफ्टर 30. सो सबके अलग अलग बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ हम सब मिलकर काम कर सकते हैं. और अलका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सोसाइटी को हमारी मदद की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स मदद तभी कर पाते हैं जब एक बीमारी कोई शुरू हो जाती है. जहाँ पर प्री कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर डीएनए डिजीज होती है, वहाँ वो हमेशा ये कहते हैं गो टू द ट्रेनर्स, गो टू द न्यूट्रिशनिस्ट, मैनेज योर वेट, रिड्यूस डाउन योर ओबेसिटी, कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर स्ट्रेस, डोंट कम इन टू द डिप्रेशन. इन सब के लिए अगर हम हेल्थ पे काम करें, हेल्थी वे में अगर हम वेलनेस को ऑप्ट करें, क्या खाना है आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्या आपका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, आपका योग में कौन से आसनास होने चाहिए, आप कैसे मेडिटेशन करें, अगर ये सब कस्टमाइज हम देना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स की जरूरत है जो पूरी साइंस को डीपली समझ सके और आप हमारे साथ आगे चल सके. थैंक यू सो मच अलका जी, ऑल द बेस्ट, आपका मिशन भी कामयाब रहे और आप बहुत लोगों की मदद करें. एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू मी कि हम लोग एक अच्छी और किताब लिखकर सब लोगों को एक और गिफ्ट दें. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ब्लेस यू.